हफ्ते में 4 दिन काम और 3 दिन छुट्टी, माने कि वो फिल्मों वाला वीकेंड। वो कहते हैं ना कि फ्राइडे को फिल्म इसलिए रिलीज होती है क्योंकि वीकेंड होता है, लेकिन अब तक तो हम सब ऑफिस में होते थे फ्राइडे को, पर अब क्या हो रहा है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, इन 4 दिन काम, फ्राइडे सैटरडे संडे छुट्टी। ये एक ट्रायल हुआ, ट्रायल कहाँ हुआ, ब्रिटेन में। ब्रिटेन में ट्रायल ये किया गया है कि 6 महीने के लिए एम्प्लॉयज़ को, 61 कंपनियों के एम्प्लॉयज़ को ये बोला गया कि तुम्हें हम सेम सैलरी देंगे, बस आपको करना ये है कि आपको अब 4 दिन आना है और 3 दिन छुट्टी लेनी है। नतीजा क्या हुआ, नतीजा ये निकला कि अब 92% कंपनियाँ, यानी कि 92% कंपनियाँ इस ट्रायल वाले मेथड को फॉलो करने लग गई हैं, माने वो यही कर रही हैं। तो ऐसा क्या था रिजल्ट में, ये भी तो चौंकाने वाली बात है ना। सबको ये लगा था कि यार एम्प्लॉयज इससे बहुत खुश हो जाएंगे और कंपनियों के मालिकों का मूड खराब हो जाएगा, लेकिन रिजल्ट ने सबको हैरान कर दिया। तो चलिए आपको रिजल्ट बताते हैं और साथ ही ये बताते हैं कि ट्रायल में हुआ क्या क्या और कैसे कैसे ये नतीजा हुआ और नतीजा निकला क्या। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन 4-Day Week ग्लोबल ने एक पायलट प्लान के तहत ब्रिटेन के करीब 3,000 एम्प्लॉयज को 4 दिन वर्किंग में उसी सैलरी की पेशकश की जो उन्हें 5 डेज वर्किंग में दी जाती थी। ब्रिटेन में पिछले साल जून से दिसंबर के दौरान किए गए परीक्षण में अलग अलग सेक्टरों की कुल 61 कंपनियों ने हिस्सा लिया था। इस ट्रायल को काफी सफल बताया जा रहा है। ब्रिटेन में एम्प्लॉयज को भी ये पॉलिसी खूब पसंद आ रही है। पूरे ब्रिटेन में 61 कंपनियों ने एम्प्लॉयज को सेम सैलरी हासिल करते हुए जून से दिसंबर 2022 के बीच 4 दिन में औसतन 34 घंटे काम करने के लिए कहा। उनमें से 56 कंपनियों ने या 92% कंपनियों ने ऐसे ही जारी रखने का ऑप्शन चुना। इसमें से 18 कंपनियों ने इसे स्थायी रूप से जारी रखने का फैसला किया। इस हफ्ते जारी की गई ट्रायल के नतीजों ने सबको हैरान कर दिया। कंपनियों ने बताया कि उनका रिवेन्यू जून से दिसंबर वाले ट्रायल में काफी हद तक वही रहा, यहां तक कि 1 साल पहले उसी 6 महीने की तुलना में इसमें इजाफा हुआ है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के रिसर्च एसोसिएट डेविड फ्राइने के मुताबिक ट्रायल के रिजल्ट से वो काफी उत्साहित महसूस कर रहे हैं। इसमें कई तरह से दिखाया गया कि कंपनियां 4 डेज वर्किंग को एक सपने से हकीकत में बदल रही हैं। इस ट्रायल में शामिल एम्प्लॉयज में से 71% ने बताया कि वो कम थके हुए थे, 39% ने कहा कि उनका स्ट्रेस कम हुआ है और 48% ने कहा कि वो ट्रायल से पहले की तुलना में अपनी नौकरी से ज्यादा संतुष्ट हैं। कर्मचारियों में से 60% ने कहा कि घर पर काम और जिम्मेदारियों को संतुलित करना आसान हो गया, जबकि 73% ने बताया कि उनके जीवन में संतुष्टि बढ़ी है। कुल मिलाकर थकान कम हो गई थी, लोग ज्यादा सो रहे थे और मेंटल हेल्थ में सुधार हुआ था। इस ट्रायल में शामिल ज्यादातर कंपनियों के प्रॉफिट में भी इजाफा हुआ। 23% कंपनियों के लिए ट्रायल के दौरान रिवेन्यू में 1.4% की बढ़ोतरी हुई, जबकि 24 कंपनियों ने 1 साल पहले की 6 महीने की अवधि से रिवेन्यू में 34% से ज्यादा की ग्रोथ देखी। 1 साल पहले की इसी अवधि के दौरान कर्मचारियों के छोड़ने की संभावना में 57% की गिरावट आई, वहीं बीमार होने वालों की संख्या 1 साल पहले की तुलना में 65% कम थी। तो कुल मिलाकर ट्रायल के बाद से 92% कंपनियों ने ये कहा है कि भैया हम तो इसी मॉडल को फॉलो करेंगे, और 30% ने ये कहा है कि ये स्थायी है, मतलब उम्मीद वो भी कर सकते हैं आने वाले टाइम में वो भी इसे फॉलो कर सकते हैं पूरे तरीके से। आपको क्या लगता है कि ये वाला मॉडल, इनके 4 दिन काम 3 दिन छुट्टी वाला मॉडल भारत में फॉलो किया जाना चाहिए, और इसका नतीजा क्या निकलेगा भारत में, ये भी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।